अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली टॉपिक है हमारा द एक्रोसोमल रिएक्शन इन सी अर्चिन्स। ये जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली ज़्यादातर मरीन इनवर्टिब्रेट से रिलेटेड है। और एक्रोसोमल रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एक्रोसोमल रिएक्शन, चूँकि हम बहुत तरह की चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसलिए ये मेंशन मैं कर रही हूँ कि ये स्पर्म सेल का रिएक्शन है। एक्रोसोमल रिएक्शन किसी एग में नहीं होता, किसी किसी और सेल में नहीं हो रहा, बल्कि ये स्पर्म सेल का रिएक्शन है। अच्छा, जो एक्रोसोमल रिएक्शन होता है इसके आगे से दो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि ये दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है। अब इसमें से नंबर वन स्टेज हमारी कौन सी है? नंबर वन स्टेज है फ्यूजन ऑफ द एक्रोसोमल वेसिकल विद द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ एक्रोसोमल वेसिकल फ्यूज हो जाती है, यानी कि वो जाके मिल जाती है और बिल्कुल एक ही स्ट्रक्चर बन जाता है, वो ओपन हो जाता है। ये एक स्टेप है। और दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि यही एक्रोसोमल प्रोसेस जो है वो एक्सटेंड करेगा, यानी कि थोड़ी देर तक चलता रहेगा। यानी कि पहले तो ये दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज़ होंगी और फिर ये प्रोसेस थोड़ी देर तक चलता रहेगा। इसको जो है ना वो फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। इस पिक्चर को मैं बाद में थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ, पहले हम थोड़ी सी थेरी देखेंगे बेसिकली। अच्छा, जो हमारे पास स्टेप नंबर वन है यानी कि फ्यूजन ऑफ द एक्रोसोमल वेसिकल विद द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें सबसे पहला जो इनिशिएशन है वो होती कहाँ से है कि एक्रोसोमल रिएक्शन तब स्टार्ट होता है जब स्पर्म जो है वो किसके साथ कॉन्टैक्ट में आता है? एग जेली के साथ। यानी कि जब स्पर्म जो है वो एग जेली के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो ये जो एक्रोसोमल रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है। और फिर अच्छा, ये भी एक बात मैं यहीं पर मैंशन कर दूँ कि एग जेली के ही अंदर कुछ फैक्टर होते हैं जो स्पर्म का ये जो एक्रोसोमल रिएक्शन है इसको स्टार्ट करवाते हैं। यानी कि एग जेली ही खुद हेल्प करेगी स्पर्म को कि वो अपना एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट करे। अब क्या होता है कि कॉन्टैक्ट विद द एग जेली कॉजेज द एक्सोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स एक्रोसोमल वेसिकल एंड द रिलीजेस ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। एग जेली से कॉन्टैक्ट में आने के बाद स्पर्म की जो एक्रोसोमल वेसिकल है वो अपने कोण से, यानी कि वो ब्रेक डाउन हो जाती है, वो ओपन हो जाती है और उसके अंदर से क्या निकलते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं? बेसिकली जेली कोट को डाइजेस्ट करते हुए अपना पाथ बनाते हैं, यानी कि अपना रास्ता बनाते हैं ताकि अंदर एग के अंदर जो है ना वो जा सकें। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स स्पर्म को हेल्प करते हैं एग जेली को, एग जेली कोट को डाइजेस्ट करके अपना पाथ बनाने में। उसके बाद क्या होता है कि इन सी अर्चिन्स, इससे पहले अगर मैं अब आपको ये वाली डायग्राम दिखाऊं तो अब जो है ना वो आपको ये बात क्लियरली समझ आएगी कि अभी ये जेली लेयर है, ये आगे पूरा एग की इनसाइड है। उससे पहले जैसे ही स्पर्म अपनी नॉर्मल कंडीशन में होता है, जैसे ही ये एग जेली के साथ कॉन्टैक्ट में आता है तो एग जेली के ही फैक्टर्स जो है ना वो इसके अंदर किस चीज़ को इनिशिएट करवा देते हैं? एक्रोसोमल प्रोसेस को। और फिर वो फर्दर ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, ये क्या करते हैं? एग जेली को डाइजेस्ट करते हैं। फर्दर फिर करते करते जो है ना वो स्पर्म क्या करता है? अपना पाथ बना लेता है और अंदर एंटर हो जाता है। ये पूरा जो है ना वो ये स्टेप डिस्कस हुआ है इन डायग्राम। अब जो है ना वो अगर मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूं कि इन सी अर्चिन्स द एक्रोसोमल रिएक्शन इज थॉट टू बी इनिशिएटेड बाय अ फ्यू कोस कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड इन द एग जेली। अभी जो मैंने कहा था कि एग जेली खुद हेल्प करेगी स्पर्म को कि वो अपना एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट करे, तो ये बेसिकली होता क्या है कि एग जेली के अंदर एक सब्सटेंस होता है फ्यूकोस कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, जो कि हेल्प करता है, जो कि बाइंड कर जाता है स्पर्म के साथ और इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि स्पर्म हेड के अंदर क्या चीज़ एंटर हो जाए? कैल्शियम, कैल्शियम आयंस एंटर हो जाए। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स का अगर मैं आपको एक क्रक्स करके बताऊँ ना, तो वो बेसिकली ये होता है कि सेल्स जो है ना वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए या एक दूसरे को रेकग्नाइज करने के लिए सिग्नलिंग का सहारा लेते हैं, यानी कि सिग्नल्स देते हैं एक दूसरे को। तो ये सिग्नल्स जो है ना वो बेसिकली किसी ना किसी आइन पर डिपेंड कर रहे होते हैं, किसी ना किसी पाथवे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना जो सिग्नल चल रहा होता है वो कैल्शियम डिपेंडेंट होता है, दैट्स वाई। तो ये आपके पास इन दोनों पॉइंट्स का एक क्रक्स है, एक आसान सी समरी है। अच्छा, फ्यूकोस क्या होता है? फ्यूकोस मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि बेसिकली एक सिंपल हेक्सोस डीऑक्सी शुगर मॉलिक्यूल होता है जिसका केमिकल फार्मूला होता है C6H12O5। तो इसमें कोई खास वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है।
उसके बाद ये जो एक सिंपल सी हमारे पास एक डायग्राम है जो कि हमारे मैनुअल्स में भी है, तो इसको अब मैं सही वाला जो है ना वो फोकस कर सकती हूँ कि ये जो है हमारे पास ब्लैक कलर की जो ये स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये जो आपके पास चल रही है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। जैसे ही आपके पास जो है ना वो कैल्शियम आयन स्पर्म के अंदर एंटर होते हैं तो ये दोनों फ्यूज़ कर जाती हैं और क्या करती हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का काम क्या था, एग जेली को डाइजेस्ट करके अपना पाथवे बनाना यानी कि अपना रास्ता बनाना ताकि जो स्पर्म है यानी कि जो भी उसका कंटेंट है वो एग के अंदर जा सके। उसके बाद ये जो प्रोसेस एक्सटेंड हो रहा है वो कैसे, इसको मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ, वैसे तो नेक्स्ट स्लाइड में भी ये मौजूद है कि स्पर्म की बेस पे जो है ना वो एक्टिन प्रोटीन होती है। एक्टिन प्रोटीन क्या करती है कि ऐसा एक प्रोट्रूजन बना देती है, एक ऐसा नीडल लाइक स्ट्रक्चर बना देती है ताकि ये प्रोसेस जो है ना वो एक्सटेंड कर सके। और इसके ऊपर आपको एक बाइंडिंग नज़र आ रहा है, ये बाइंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका फंक्शन जो है ना वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना वो बेसिकली ये दूसरा स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है जो एक्सटेंशन ऑफ द एक्रोसोमल रिएक्शन है ना, ये वो वाला जो है ना वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसको आप प्रॉपरली जो है ना वो स्टार्ट करें कि स्टेप टू क्या है कि एक्रोसोमल प्रोसेस ने एक्सटेंड करना है। अब ये एक्सटेंड कैसे करेगा कि ये जो आपको प्रोट्रूजन नज़र आती है ये कैसे होती है कि ये जो बेस पे एक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक्सटेंड कर देते हैं और नीडल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नीडल लाइक स्ट्रक्चर को जो है ना वो आगे अपना रास्ता बनाने में फिर आसानी हो जाती है। द एग जेली फैक्टर्स दैट इनिशिएट द एक्रोसोमल रिएक्शन इन सी अर्चन्स आर ऑफन हाईली स्पेसिफिक टू ईच स्पीशी। एग जेली के जो फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्रोसोमल रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक होने का मतलब होता है कि मेक श्योर करना कि सही वाला स्पर्म सही वाले एग को जो है ना वो फर्टिलाइज कर रहा हो या उसके अंदर अपना रास्ता बना रहा हो, मतलब ये ना हो कि स्पीशी डिफरेंट हो चुकी हो, तो इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है। अब बाइंडिन का रोल आता है, ठीक है। बाइंडिन हमें हर जगह जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें आ रहा है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा सी स्लाइड जो है ना वो डाली है कि बाइंडिंग का सिर्फ जो है ना मैं वो बता सकूँ फंक्शन। तो बाइंडिंग जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिकग्निशन में, यानी कि ये पहचानता है, मेक श्योर करता है कि सही एग सही स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा हो, ठीक है। तो ये जो रिकग्निशन होती है ना एग की और स्पर्म की, इसमें बहुत बड़ा रोल होता है बाइंडिंग का। बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन होती है जो कि रिकग्निशन का काम करती है, पहचानने का काम करती है। तो बेसिकली मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू सो मच। आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है, शेयर भी करें जिस जिसको इसकी ज़रूरत है, जो जो जूलॉजी का स्टूडेंट है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।